सिम भी 99% फर्जी नाम और फर्जी एड्रेस पर होगा। सर जब दोनों कॉल सेम इंस्ट्रूमेंट से किए गए हैं तो शायद उसी से कुछ पता चले। इस कुणाल धवन का फोन अभी भी ट्रैकिंग पर है सर, और इसके फोन रिकॉर्ड से भी एक अजीब सी बात सामने आई है। क्या? अपनी फोर्स का एक एक्स कांस्टेबल है निरंजन रस्तोगी, इसका कुणाल के साथ कोई कनेक्शन है सर। पता लगाओ जरा इस कनेक्शन का सॉकेट कहाँ है और इसका प्लग पॉइंट कहाँ है। निशा तुम इस फोन इंस्ट्रूमेंट का पूरा बायोडाटा निकालो, इसकी पैदाइश से लेके अब तक, ये कौन सी कंपनी का है, कौन से बैच का, इसका सीरियल नंबर क्या है, किसने खरीदा किसने बेचा, सब कुछ। ये फोन इंस्ट्रूमेंट हमारी पहली लीड होगी जिससे कोई ना कोई सही कॉल जरूर लगेगा। मैडम जो IMEI नंबर आपने मुझे बताया, उस फोन के मॉडल का डिस्पैच कौन से डीलर के पास हुआ, फिर वहां से कौन से रिटेलर ने लिया, उस रिटेलर का इनवॉइस स्लिप, बिल्स, और फिर आखिर में एंड यूजर का नाम और पता, ये सब पता करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा मैडम। संदीप जी ये डिटेल्स मुझे कल तक चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको आज रात तक का टाइम दे सकती हूँ या लेटेस्ट सुबह होने से पहले। लेकिन मैडम मेरे सारे स्टाफ भी जा चुके हैं, यहाँ किसी की जान जा सकती है। ठीक है मैडम मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा वाला ट्राई कीजिएगा जो कामयाब हो। मैं आपको कल सुबह 6 बजे फोन करती हूँ। जी वाराणसी। नहीं वाराणसी में हम किसी को नहीं जानते। उसके आसपास इलाहाबाद सारनाथ। नहीं कहीं भी नहीं, हमारा विवेक वाराणसी में है क्या? फिरौती का कॉल वहीं से आया। और देवेंद्र जी किडनैपर्स ये जानते हैं कि आप 3 करोड़ रुपए देने की पोजीशन में हैं। लेकिन सर वो कौन सकते हैं ये लोग? क्या विवेक के बारे में कोई ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? जी नहीं बिल्कुल नहीं। कोई बिजनेस प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम? ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर, और अगर होगा भी तो शायद सुनीता को पता हो। सुनीता भरोसेमंद है? दीदी मैंने डिनर बना दिया है और सलाद भी काट के फ्रिज में रख दिया है। मैं तू जा साक्षी। लेकिन इंस्पेक्टर ये इस किडनैपर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ना तो हम और ना ही विवेक 3 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम वो भी रातों रात एक साथ जमा करने की हालत में है। देखिए मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इसकी फ्लावर शॉप 3 साल पहले बंद हो चुकी है। हाँ हमारे विवेक की अर्निंग्स काफी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी 3 करोड़ रुपए नहीं। अरोड़ा परिवार की एक मेड है, साक्षी नाम है उसका। तुझा साक्षी। साक्षी स्कैनर पर है सर, एक अरसे से वो उनके घर का काम कर रही है। और कोई डिटेल अभी तक आई नहीं है सर। सत्यन ये दिन रात तो उस घर के करीब रहती है, इसे एक एक डिटेल पता होगी। बनता है कि हमें भी इसकी एक एक डिटेल पता हो। वैसे वो निरंजन रस्तोगी हमारे हाथ लग गया सर, वो कुणाल के कहने पर विवेक पर नजर रख रहा था। हेलो कोई है यहाँ पे? अरे कोई मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे। सुनिए मैम, मैम आप हमें ऐसे कब तक डिटेन करके रखेंगे? जब तक विवेक अरोरा सही सलामत घर नहीं पहुंच जाता है तब तक। लेकिन मैडम मुझे क्यों? मैंने तो जो कुछ भी किया था ये तस्नीम के कहने से किया था, और एनीवेज ये बात तो पुरानी हो चुकी है। मैम मेरे और विवेक के बीच में जो भी कुछ हुआ था वो सेटल हो गया था, मैंने माफी मांगी थी, आई अपोलोजाइज मैडम, तो बात खत्म हो गई ना। बात खत्म हुई होती तो तुम दोनों यहाँ बैठी नहीं होती, हमारे लिए अभी बात शुरू भी नहीं हुई है। वैसे तुम दोनों में से किसी को घर जाना है तो तुम लोग बात शुरू कर सकते हो, ये बताने से शुरू करो कि विवेक इस वक्त कहाँ है। बोलो चार मर्डर के केसेस आए हैं और चारों की शिनाख्त हो चुकी है। मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक किया था मगर कोई भी लावर इस लाश विवेक अरोड़ा के डिटेल के साथ मैच नहीं कर रही है। विवेक अरोड़ा की किडनैपिंग हुए 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कोई खबर नहीं। सर वो जो फिरौती के लिए कॉल आया था 3 करोड़ का इंतजाम फौरन करो, वो सिम और एड्रेस दोनों फर्जी है जैसा कि आपको शक था। हमारे शक की सुई 360 डिग्री घूम रही है और हमारी सस्पेक्ट लिस्ट भी बढ़ रही है, पर पोस्ट किडनैपिंग विवेक अरोड़ा की एक भी डिटेल सामने नहीं आई है और ना ही विवेक अरोड़ा को किडनैप करने का कोई छुपा हुआ मकसद। कुछ तो कर लीजिए,
वरना शुगर लेवल बढ़ जाएगा आपका। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। ये पुलिस क्या क्या बोले जा रही है? नहीं जानती मैं कुछ। विवेक ने मुझे कभी अपने काम और फाइनेंस के बारे में नहीं बताया। मैंने सुनीता से सामने से पूछा कि था कुछ ऐसा क्या। तो क्या बोली सुनीता? उसने मुझसे यही कहा कि उसे जितना कुछ मालूम था उसने पुलिस से बता दिया है, इसके आगे वो कुछ नहीं जानती। मैं कुणाल धवन के लिए विवेक अरोड़ा का पीछा कर रहा था। सर धंधा है मेरा आजकल प्राइवेट डिटेक्टिव। सर ज्यादा करके शादी से पहले लड़के और लड़कियों की बैकग्राउंड चेकिंग करना, पति पत्नी के केसेस, चीटिंग के केसेस और ऐसे ही केसेस आते हैं। रस्तोगी विवेक अरोड़ा का किडनैप हुआ है, उसकी जान को खतरा है, क्या मच रहा है? कुणाल को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड श्रुति का अफेयर विवेक अरोड़ा के साथ चल रहा है उसकी पीठ के पीछे। सर मैं तो उसी सिलसिले में पीछा कर रहा था विवेक, बाकी इस किडनैपिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम रेगुलर पीछा कर रहे थे उसका? हाँ सर। तो क्या नतीजा निकला? कुणाल श्रुति का विवेक अरोड़ा के साथ कोई अफेयर वगैरह नहीं है। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कई सालों की ट्रेनिंग रही है मेरी, गलत काम और गलत रिश्ता दोनों को सूख लेने की। दरअसल तुम्हारा शक जो है ना वो तुम पर हावी हो रहा है, अपने दिल और दिमाग से उसे निकाल के बाहर फेंक। श्रुति तुम्हारे साथ कोई चीटिंग वगैरह नहीं कर रही। मुझे प्रूफ चाहिए। लोगों को अफेयर होने का प्रूफ चाहिए होता है, तुम्हें ना होने का प्रूफ चाहिए। तुम्हारे प्रूफ का नाम है अंजलि मौर्य। अंजलि मौर्य? विवेक का अगर किसी के साथ अफेयर हो सकता है तो वो ये अंजलि मौर्य, और मेरी तरफ से ये केस क्लोज। कुणाल मुझे 2 हफ्ते और करने को बोल रहा था, एडवांस भी ऑफर कर रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। शकी दिमाग जिसका कोई इलाज नहीं। रस्तोगी एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे अलावा विवेक का कोई और भी पीछा कर रहा है? उन 2 हफ्तों में तो किसी ने नहीं किया। हाँ कोई कर रहा होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। सर आपको रस्तोगी ने भी बोला होगा कि मैं शकी टाइप का हूँ, लेकिन मैं किसी का किडनैप विडनैप नहीं करवा सकता सर, आप रस्तोगी से पूछ लीजिए। अबे हम तेरा करेक्टर सर्टिफिकेट रस्तोगी से क्यों लेने लगे? सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे बात समझ में आ गई थी कि वो मेरा वहम था, मेरा शक मेरा सिर्फ वहम था। मुझे उस बात का पछतावा था और आज भी है कि मैंने विवेक को धमकाया और श्रुति को बुरा भला कहा। सर मैं बदल गया हूँ, मेरा विश्वास कीजिए आप। तो अब यहाँ लॉकअप में रहकर थोड़ा और बता, क्योंकि तेरा पछतावा सच सिर्फ तब साबित होगा जब विवेक हमारे सामने होगा। तब तक तू यहीं रहकर तपस वापस कर, मंत्र जाप कर, आत्मा की शुद्धि कर ले अपने। सर सर मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, जाने दीजिए मुझे। तस्नीम की प्रोफेशनल राइवलरी, कुणाल की पर्सनल जेलसी हकीकत थी, पर 36 घंटे गुजरने के बाद भी इस किडनैपिंग का एक भी ब्रेक थ्रू हमारे रडार पर नहीं था। ब्रेक थ्रू मिला कैसे? क्या विवेक को बचा पाए? बहुत घुमा फिरा कर हमने जो तीर अंधेरे में चलाया था वो निशाने पर लगा, एक ब्रेक थ्रू मिला। मैडम पूरी रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोने दिया आपने। संदीप जी हम भी नहीं सोए हैं, तो चलिए अब जल्दी से बताइए कि ये मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कौन सी दुकान में पहुंचा था। मई 2016 में ये हमारी इंदौर वाली फैक्ट्री से यही भोपाल के एक डीलर के पास डिलीवर हुआ। चोपड़ा मोबाइल नाम की एक दुकान पर चला गया। चोपड़ा मोबाइल का एड्रेस? चोपड़ा मोबाइल्स 16 नानक बाग की एक गली में है दुकान, लेकिन ये गली एक अंधी गली की तरह ही हमारे लिए। लेकिन गली तो है ना सत्या, घुसते हो सकता है मोबाइल इंस्ट्रूमेंट हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। और सर यहाँ मैं सुनीता को खंगालती हूँ, वो मुझे डे 1 से खटक रही है। हेलो सर, कंचन जी के फोन पे विवेक का नंबर फ्लैश हो रहा है। विवेक का फोन? हेलो विवेक, कहाँ है तू बेटा? विवेक, मम्मी मम्मी मर रहा हूँ मैं, मर रहा हूँ मम्मी, बचाओ मुझे। हेलो विवेक कहाँ है? यही है। वैसे हमारा इरादा तो उसे पहले ही दिन काट कर फेंक देने का था, वैसे भी उसे जिंदा रखना बेकार में टेंशन है हमारे लिए। प्लीज ऐसा मत बोलिए, एक बार मेरे विवेक से बात करवा दीजिए। अरे आप माँ हैं कि मजाक है? हम पूरा विवेक एक पीस में पूरी जिंदगी के लिए लौटाने की बात कर रहे हैं, और आप हैं कि बस उसे एक बार ही बात करना चाहती हैं। अरे मैडम जी, कोई दुश्मनी है क्या अपने बेटे से? बोल कौन रहे? कल के करोड़पति जो आप हमें बनाएंगे 3 करोड़ रुपए देकर। तैयार रखिएगा,
हम खुद लेने के लिए आएंगे। हाँ, अगर आपने पुलिस वालों को इतला कर दिया है तो आपके 3 करोड़ रुपए बच जाएंगे और आप करोड़पति ही रहेंगे। लेकिन ये विवेक करोड़पति नहीं रहेगा, क्योंकि ये रहेगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा, अब आप पैसे देंगे। हेलो हेलो, फिरौती की पहली कॉल और ये आवाज, ये दोनों आवाजें सेम है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा इस आवाज को नहीं पहचानते। सर, इस बार किडनैपर्स ने विवेक के फोन से फोन किया है, कहीं उन्हें पता तो नहीं लग गया कि हम मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा का नंबर और फोन इंस्ट्रूमेंट दोनों ट्रैक कर रहे हैं। एक और चीज है सर, विवेक ने जो मैसेज किया था वो मैसेज विवेक के फादर देवेंद्र अरोड़ा के फोन पर आया था सर, लेकिन फिरौती के लिए जो 2 कॉल आए वो विवेक की मदर के फोन पर आए। सत्यन, विवेक का फोन अब उन लोगों के पास, तो जाहिर सी बात ये दोनों नंबर या तो उन्होंने उस फोन से लिए होंगे या फिर विवेक से लिए होंगे। सर, कॉल ट्रेस हुआ है, लोकेशन इलाहाबाद। नहीं, वाराणसी में हम किसी को नहीं जानते। उसके आसपास इलाहाबाद, सारनाथ, नहीं कहीं भी नहीं। ये दोनों कॉल्स हमें विवेक अरोड़ा की लोकेशंस के बारे में गुमराह करने के लिए किए गए, और इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में 2-3 घंटे का डिस्टेंस है। मतलब किडनैपर या उनका नेगोशिएटर एक ही सर्किट से ऑपरेट कर रहे हैं। निशा, तुम जरा सुनीता को क्रैक करो और हम चोपड़ा मोबाइल को मिलकर आते हैं। मेरा जी बहुत घबरा रहा है कंचन, कहीं हमारे विवेक के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया इन लोगों ने। प्लीज प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए, सोचिए भी मत ऐसा। हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे और दे देंगे उन्हें, और सही सलामत ले आएंगे अपने विवेक को घर। प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, प्लीज। सर, ऐसा तो नहीं किडनैपर इस प्रेशर को हैंडल ना कर पाए हो और खुद ही कोई कांड कर दिया हो? किडनैपर्स हमें घुमा रहा है, गोल गोल चक्कर कटवा रहा है, खेल खेल रहा है हमारे साथ। सत्यन, चांसेस कम है कि किडनैपिंग किसी पर्सनल दुश्मनी या बदले की वजह से हुई। शायद किसी पुरानी दुश्मनी की आड़ में पैसे कमाने का नया तरीका खोज निकाला इस किडनैपर ने। आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछी जा रही है। मैं बता तो चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्लाइंट ने डायरेक्टली विवेक को कॉल क्यों किया था। अभी तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि किसी की किडनैपिंग करना और 3 करोड़ की फिरौती मांगना कोई दूध भात का खेल तो है नहीं। What do you mean? आप ये कहना चाहती हैं कि विवेक की किडनैपिंग के बारे में मुझे कुछ पता है? पता है तो बता दो, अभी भी टाइम है। सर, अगर ये डिटेल इंस्ट्रूमेंट की जो मेरी दुकान से बिका है तो मेरे पास इसका रिकॉर्ड हो गई होगा। तो चोपड़ा जी, एक भी मिनट गवाए बिना रिकॉर्ड निकालिए। मैं अच्छा कमा लेती हूँ, इनफैक्ट बहुत अच्छा कमा लेती हूँ, तो मुझे किडनैपिंग विडनैपिंग जैसे स्टूपिड चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या विवेक ने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई है? आर यू सीरियस? कोई अपनी किडनैपिंग खुद क्यों करवाएगा? अपने माँ बाप से पैसे ऐंठने के लिए? इट मेक्स नो सेंस मैम, विवेक खुद एक बहुत रिच आदमी है, अब ऑनलाइन जाकर देखिए कितना फेमस है वो, यहाँ का टॉप हेयर स्टाइलिस्ट है वो। शायद और फेमस होना चाह रहा हो, पब्लिसिटी स्टंट है ये, या फिर नीता, तस्नीम और कुणाल को सबक सिखाने का कोई उसका प्लान हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा मैम कि आप पुलिस वाले इतने बेकार और बेहुदा के थ्योरी सोच लेते हैं। विवेक अरोड़ा मेरा बॉस ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो गलत या गैर कानूनी हो, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं है मैम, बहुत ही सेंसिटिव, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है वो। मेरा सर, मैं 2016 में पीस बेचा था। मोहित गुप्ता जी? हाँ सर। और सर, गुड लक देखिए आपका, आपको इस आदमी को ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं। मतलब जानते हैं इसे? जी हाँ सर, अच्छी जान पहचान है, यहाँ मेरे यहाँ से मोबाइल लेता रहता है, यहीं पास ही में रहता है। यही है मोहित। क्या बात है महेश? हाँ सर, ये मेरा ही मोबाइल था, इसको मैंने मई में खरीदा और जुलाई में बेच दिया था। क्यों रे महेश, मैंने तुझे बोला था ना कि कोई कस्टमर है तो याद दिलाना। अरे हाँ सर, वो सॉरी सर, बोला तो था इसने, लेकिन सर इसने फोन बेच दिया है ये मुझे मालूम है। मई में खरीदा, जुलाई में बेच दी, 2 महीने में दिल भर के। सर, हर हफ्ते कोई ना कोई नया मॉडल आता ही रहता है,
मुझे एक नया पसंद आया तो मैंने खरीद लिया। दो महीने पुराने वाला फोन ये किसको बेचा? सर मेरा मोबाइल था, मैंने खरीदा, मैंने बेचा। ये सब आप पूरी राम कथा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट से किडनैपिंग हुई। फिरौती का कॉल आया, 14 सितंबर को इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में फर्जी सिम कार्ड डालकर विवेक अरोड़ा नाम के आदमी को फोन किया गया, उसे सुनसान जगह पे बुलाया गया, उसके बाद उसकी किडनैपिंग हुई। और फिर 15 सितंबर को इसी मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में फर्जी सिम कार्ड से फिरौती का कॉल आया, वाराणसी से। ओह, अब तू हमें ये बता विवेक अरोड़ा को तूने कहाँ छिपाया, और दो लोग कौन थे तेरे साथ, वो इस वक्त कहाँ? देखिए सर, मैं किसी विवेक अरोड़ा को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी की किडनैपिंग की है। काम क्या करता तू? सर ये भोजपुर रोड पे आरएस बॉल बेयरिंग्स की फैक्ट्री है, वहाँ काम करता हूँ। तुमने जैसे ये फ़ोन बेचा उसका नाम क्या है, रसीद कहाँ? सर रसीद तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मुझे उसका नाम याद है, पवन गोयल। मोहित जी नमस्ते, मोबाइल की दुकान वाले ने बताया आपको कोई मोबाइल बेचना है। जी सही बताया, मुझे खरीदना है। ये रहा। कितने बेचोगे? दो महीने पुराना है, 14 में खरीदा था, अब 10 के नीचे नहीं बेचूंगा। कौन सा कमरा तुम्हारा यहाँ पे? या ऊपर 204 राइट पे। 10,000 कैश लेकर के आऊँगा शाम को, फोन मेरा, डील। वो शाम को पैसे लेकर आया और मैंने अपना फोन बेच दिया। ऐसे ही आया, तुझे ऑफर दिया, शाम को तुझे कैश भी दिया और फोन ले गया, मतलब हवा में सामने से आया और फोन लेकर हवा हो गया। नहीं सर, मैंने महेश के अलावा और 3-4 मोबाइल वाले दुकानदारों को बोल के रखा था कि कोई सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने वाला हो तो मेरी तरफ भेज देना। और जब पवन गोयल मुझे रास्ते में मिला और उसने पूछा मोबाइल के बारे में, तो मुझे लगा कि किसी दुकानदार ने उसे भेजा होगा। मैंने नहीं भेजा किसी पवन गोयल को। कहाँ रहता है पवन गोयल? सर यही पास के इलाके में रहता होगा, एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं पता। सर ये पक्का स्टोरी फेंक रहा है, इसको आटे में लेते। सर देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर वाकई कोई पवन गोयल है जिसे तुमने अपना ये फोन बेचा है, तो मुझे वो पवन गोयल अपनी आंखों के सामने चाहिए अभी के अभी, वरना मैं यही समझूंगा कि तू बहुत बड़ा फिरकीबाज है और तू ही पवन गोयल है। जी सर। ये पवन गोयल कौन है? अब ये कौन है? कोई जाना पहचाना नाम लगता है? पवन गोयल? नहीं, मैं किसी पवन गोयल को नहीं जानती। आप जानते हैं क्या किसी पवन गोयल को? नहीं तो? देखिए, हम दोनों ने आज तक पवन गोयल का नाम तक नहीं सुना है। पवन गोयल नाम का कोई था ही नहीं, फोन की सेकंड हैंड सेल की कोई रिसिप्ट नहीं थी, क्योंकि फोन बेचा ही नहीं गया था। पवन गोयल फेक था या सच, मोहित गुप्ता कहानी बना रहा था या उसका विवेक अरोड़ा से कोई कनेक्शन था, इन सारे सवालों के जवाब हम तब ढूंढते जब हम उस अंधी गली में पवन गोयल को ढूंढने के लिए निकलते और वो हमें वहां ना मिलता। पर हमें पवन गोयल मिला। तेर निशाने पर लग गया सर जी, ये मोहित झूठ नहीं बोल रहा था, इसने वाकई में एक पवन गोयल को फोन बेचा था। आपने ही मोहल्ले का है, लेकिन हाँ इस वक्त घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ है? ये तो पता नहीं सर कहाँ है, लेकिन हाँ एक हाईलाइट खबर है। जल्दी बोल को मैं। 14 सितंबर को किडनैपिंग हुई थी ना विवेक की, उस दिन ये पवन गोयल आखिरी बार अपने घर से निकला था। और तब से नहीं लौटा? नहीं सर नहीं लौटा, लेकिन मैंने मकान मालिक से मिलकर उसके रूम की एग्रीमेंट निकलवाई है। फोटो है इस पवन गोयल की। सर यही तो है पवन गोयल, इसी को मैंने अपना मोबाइल बेचा। तुम कह रहे थे 14 सितंबर से घर नहीं लौटा? 14 सितंबर जो गया था अब तक वापस नहीं लौटा है। मैंने इसका चिट्ठा खोलते खोलते थोड़ा और खंगाला तो उसके एक जिगरी दोस्त की खबर मिली, राकेश पांडे नाम है, 30 साल है इसका। लेकर चलो इसे। सर सर अब क्यों सर, मैंने जो कुछ बताया सब कुछ सच तो है सर, पवन गोयल तो मिल गया ना आपको? विवेक अरोड़ा नहीं मिला है, और जब तक विवेक अरोड़ा नहीं मिलता तुम हमारे मेहमान हो, थाने में बिठाओ इसे। यही वाला स्टाल है सर। तो बंद इसे पूछते भैया, ये टी स्टॉल राकेश पांडे का है क्या? जी हाँ राकेश भाई का है। धंधे के टाइम पे दुकान बंद है? वही तो साहब, 2 दिन से बंद है। 2 दिन पहले मतलब परसों से? परसों सुबह बंद थी, कल भी बंद थी, आज भी बंद है। रहता कहाँ है राकेश पांडे? 2 गली छोड़ के 3रा मकान है वो, बाएं तरफ वाला। 14 की सुबह से पवन गया और 14 सितंबर की सुबह से राकेश की दुकान भी बंद। घर लगता है सर, पूछते हैं। प्रणाम माँ जी, ये घर राकेश पांडे का है क्या? क्या बात है जी? प्रणाम भैया जी। प्रणाम। ये घर राकेश पांडे का है क्या? हाँ जी। तुम कौन लगते हो राकेश के? हम उसके बड़े भाई हैं, ब्रिजपाल पांडे नाम है हमारा। आप लोग कौन है? हम पुलिस वाले हैं, राकेश को ढूंढ रहे। पुलिस?
क्या हुआ साहब? कहाँ गया राकेश? साहब दो दिन से वो घर नहीं आया, हम भी बहुत परेशान हैं। दो दिन से उसकी चाय की दुकान भी बंद है, गया कहाँ वो? हम भी यही सोचकर परेशान हैं साहब, हमको भी कुछ बोलकर नहीं गया। उसने अपना फ़ोन भी बंद रखा हुआ है। वही तो साहब, कुछ भी नहीं बोला, बस निकल गया। अभी 10 दिन पहले दादी जी को इलाज के लिए हम गांव से यहाँ लेके आए, राकेश को ही लेके जाना तो उन्हें अस्पताल रोज के रोज, हम तो जा नहीं सकते हैं ना, कि हमारा दिहाड़ी मजदूरी का काम है। अब राकेश नहीं है तो हम ही लेके जा रहे हैं उन्हें रोज के रोज, हमारी दिहाड़ी भी गई और उसने भी अपनी चाय की दुकान बंद रखी है तो उसकी कमाई भी गई। जब गाँव में था राकेश तब भी इसी तरह का गैर जिम्मेदार था वो, लेकिन साहब आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? गाँव किधर है तुम्हारा? यहाँ से काफ़ी दूर है साहब, तभी दादी को यहाँ इलाज के लिए लेके आए। दादी को गांव से 10 दिन पहले यहाँ लेके? जी साहब। ये गांव में अकेली रहती हैं? हाँ साहब। जिस घर में ये रहती हैं इस वक्त वो घर खाली है? जी साहब। लेकिन आप ये तो बताइए कि मेरे भाई राकेश ने क्या किया? गांव का नाम क्या? नरसिंहखेड़ा साहब। नरसिंहखेड़ा वाराणसी के पास है या इलाहाबाद के पास? जी वाराणसी के पास, पहुँचते पहुँचते पूरा दिन निकल जाता है साहब, सारनाथ से 40 किलोमीटर दूर है। सर मोहित गुप्ता, राकेश पांडे और पवन गोयल, इन तीनों के बारे में मिस्टर मिसेस अरोरा कुछ नहीं जानते और सर सुनीता भी नहीं। और ये तस्नीम और कुणाल का क्या कनेक्शन है? मैंने इन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से स्कैन किए लेकिन इन तीनों का नंबर कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता। सर यदि नरसिंहखेड़ा जाने का रोड रूट तकरीबन 14 घंटे की स्ट्रेट है और अगर हम फ्लाइट लेते हैं तो वाराणसी पहुँचने के लिए 1 घंटा लगता है। दादी यहाँ है तो नरसिंहखेड़ा वाला घर खाली होगा। सारनाथ पुलिस को ये एड्रेस भेजो और उन्हें कहो कि एक बार चेक कर ले, हो सकता है उन्होंने विवेक अरोड़ा को इस घर में बंदी बना के रखा। आप प्रणाम साहब, हम रोहित नामदेव बोल रहे हैं, सरपंच बलदेव जी के बड़े लड़के। बताइए साहब कैसे सेवा कर सकते हैं आपका? तुम्हारे नरसिंहखेड़ा में कोई ब्रिजपाल पांडे हैं क्या? हाँ वो तो रहते थे पर उनके अम्मा बाबूजी गुजर जाने के बाद दादी रहती थी अकेली, बीमार रहती थी तो अभी 10-1 दिन पहले भोपाल ले गए इलाज कराने। तो इस वक्त तो ताला होगा उनके घर पे। अभी तो ध्यान नहीं दिए हैं साहब, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या साहब? बताऊंगा आराम से, पर अभी तुम एक काम करो, चुपके से जाकर वहाँ देखो कि कोई है या नहीं, भोपाल पुलिस आने वाली है छापा मारने। सुनो सीरियस मामला है क्या साहब? बहुत। मैं तुम्हारा नंबर उस टीम को दूंगा, उनके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करना, लेकिन सब कुछ चुपचाप। हाँ हाँ साहब समझ गए, आप एकदम बेफिक्र रहिए, हमारा गाँव में कुछ गलत काम हो रहा है तो पुलिस का मदद करना तो जिम्मेदारी है ना अपना साहब। नरसिंहखेड़ा कहाँ है ये गाँव? जिस दिन विवेक की किडनैपिंग हुई उस दिन उसके फोन से सबसे पहले एक मैसेज आया जो आपके पति देवेंद्र अरोरा जी के फोन पे आया था, उसके बाद फिरौती के दोनों कॉल आपके फोन पर आए थे। मैं कुछ समझी नहीं। ये राकेश पांडे और पवन गोयल हैं, आपने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा है? नहीं। जी नहीं। ये सुनिए, अभी बिगड़ा कहाँ है, अभी तो सिर्फ उठवाया है। अरे मैडम जी, कोई दुश्मनी है क्या अपने बेटे से? देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आवाज मैं बिल्कुल नहीं पहचानती और ऐसे लोगों से मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है। 3 साल से रिटायर्ड जिंदगी जी रही हूँ विवेक के पापा के साथ, जब से अपनी शॉप बंद की है, लेकिन आप बार बार मुझसे ये सवाल क्यों कर रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड। रिलैक्स, मैं सिर्फ इसलिए जोर डाल रही हूँ ताकि कहीं से कोई कनेक्शन निकले, और वैसे भी हमारी टीम नरसिंहखेड़ा पहुंच चुकी है। राम राम साहब। राम राम। तुम रोहित हो? साहब ब्रिजपाल पांडे का घर खुला हुआ है, हमारे गांव में काका हैं जिन्होंने उसके छोटे भाई को देखा राकेश पांडे को गांव में। ब्रिजपाल का भाई राकेश तो था ही, और लोग भी थे उसके साथ में, पहरी मालूम होते हैं। अच्छा जो गाड़ी देख रहे हैं गाँव में वो किसका है? अरे उन्हीं का तो है, 3-4 बार तो हम खुद ही देखे। ठीक है चल चलते हैं। रोहित कोनो बात है क्या? ना ना चल, हम भी गाड़ी देखे ना तो हम भी सोच पड़ेगा कि भैया नया गाड़ी किसका आ गया। अब अपना गांव है, कौन चीज किसका है पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राम राम। हमारे गांव में गाड़ी तो बहुत दूर का बात है, साइकिल रिक्शा देखना ही बहुत मुश्किल है, जबकि ई गाड़ी तो पिछले 2-3 दिन में बहुत बार नजर आया है। फिलहाल गाड़ी कहाँ है? अभी साहब थोड़ी देर पहले तो ब्रिजपाल पांडे के घर के बाहर ही खड़ी थी गाड़ी। रोहित मामला थोड़ा पेचीदा है, हमारे भोपाल से एक आदमी का किडनैप हुआ। अरे बाप रे। और हमें शक है कि जिसने किडनैप किया है वो राकेश पांडे, और जिस बंदे का किडनैप हुआ इन लोगों ने उसे उस घर में बंदी बना के रखा हुआ। हम समझ गए साहब,
आप उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं, साथ में ये भी चाहते हैं कि आदमी की जान को कोई खतरा ना हो, है ना? बिल्कुल ठीक है साहब, आप खाली हुक्म कीजिए कि हम लोग को क्या करना है, पूरा गांव साथ देगा साहब। राम राम राकेश। राम राम रोहित भैया। अरे गाड़ी किसका है? क्या हो रहा है? किसको अंदर बंद करके रखे हो राकेश? सच सच बताओ राकेश, भोपाल से विवेक अरोड़ा को यहीं बंद किए हो ना? अरे भैया कौन नहीं है? अबे रुक, कोशिश भी मत करना, लेके जाओ इसे। विवेक, हम पुलिस वाले हैं, तुम्हारी मदद के लिए आए, तुम घर जा रहे हो। शाबाश, शाबाश। मेरी बहन फिजिकली चैलेंज्ड है विवेक जी, और आज रात ही उसकी शादी है, और वो खूबसूरत भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने आज के लिए क्लोज कर दिया। देखिए मेरी बहन ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन मैं शाम 10 बजे निकल जाऊंगा। आप एड्रेस बोलिए। आपने होटल रेड आर्च तो देखा होगा ना? रेड आर्च होटल, ये स्प्रिंग रोड वाला रेड आर्च होटल, राइट? हाँ सर, बस वही रेड आर्च होटल के पीछे वाली सड़क पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी के साथ हूँ। ठीक है, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। भाई 20 मिनट के अंदर वो वहां पहुंच रहा है, हमें उससे पहले पहुंचना होगा। लगता है ये वही है शायद। जाओ 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 जाओ। तुम ही कपिल हो? तुमने मुझे कॉल किया था? जी सर, जी सर। आई एम विवेक। जी सर, आप बाहर आइए, हमारी गाड़ी में चलिए ना। नहीं नहीं, आई एम फाइन, मैं तुम लोग की कार को फॉलो करूंगा। ये ज्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, ज्यादा दूर नहीं है, पर आप हमारी गाड़ी में चलिए ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगा। अरे सर, हमारी गाड़ी में चलिए ना प्लीज। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी ऐसे बीच रास्ते पर तो छोड़ नहीं सकता ना। एक तो तुम लास्ट मिनट फोन करके जबरदस्ती अपॉइंटमेंट लेते हो, ऊपर से फैसले भी तुम ही करोगे। कोई खतरे की बात नहीं है, he will be fine. पर 3 दिन में काफी हैवीली सिगरेट किया गया है। आप श्योर तो है कि अब मेरे विवेक को कोई खतरा नहीं? नसीब मानिए कि विवेक सही सलामत घर वापस लौट आया, उसे आराम करने दीजिए। काफी ट्रोमा फेस किया है उसने, थोड़े ही दिनों में बैक टू नॉर्मल हो जाएगा वो। फाइनली इन चारों में से बाकी दो के नाम भी पता चले, जरा इंट्रोडक्शन करवाइए, पता तो चले ये हैं कौन, पहली बार हमारे यहाँ हैं, इतना बड़ा कांड करके। धोना तो सबको ही है, पर पर्सनल अटेंशन भी कोई चीज़ होती है। इन माशे को तो हम जानते ही हैं, पवन गोयल, और ये है राकेश पांडे, और वो जो बैठे हुए हैं सर कोने में, वो है सुहेल मलिक, और ये जो बैठे हुए हैं ये है फिरोज अहमद। इसका मास्टरमाइंड तो पवन है सर, लेकिन विवेक के साथ जिसका कनेक्शन है वो ये है, फिरोज अहमद। तो मतलब हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो फिरोज साहब, तो बनता है कि पहले बुके इन्हें ही दिया जाए। एक मिनट, आखिर के वो दो नाम क्या बोले आपने? जी, सोहेल मलिक और फिरोज अहमद। फिरोज अहमद, देवेंद्र, फिरोज,
ओह माय गॉड, ये फिरोज वही है ना जो तुम्हारी फ्लावर शॉप में काम करता था कंचन? ये रहा 4 डिलीवरी का कलेक्शन, गिन लीजिए। फिरोज, चंदन बाग की 3 डिलीवरी है। जी मैम, जाता हूँ, पहले थोड़ा फ्रेश हो लूँ। ये सब फिरोज का किया कराया है। शायद इसीलिए उसने मेरे फोन पे कॉल्स किए और मुझे देखो देवेंद्र, मैं उसकी आवाज तक नहीं पहचान पाई। 4 लोगों ने मिलकर गिरोह बनाया था विवेक की किडनैपिंग के लिए। ने विवेक पर नजर रखी थी। वो तो अंधा भी बोलेगा कि नजर रखी थी। नजर क्यों रखी थी, किसके कहने पर रखी थी? बोलो, विवेक का किडनैप क्यों किया? भैया क्या सोचे हो तुम लोग? अबे सोचना क्या है भाई, प्लानिंग पूरा है, हम चारों भी तैयार हैं, पर सोने का अंडा देने वाला मुर्गी भी तो चाहिए। करोड़पतियों की कमी हो गई क्या दुनिया में तो मुर्गे पे इतना सोच विचार किया जा रहा है? या फिर किसी का इनकम टैक्स पेपर देख के डिसाइड करोगे कि कौन कितना पानी में है, कितना दूध में है, किससे कितना मलाई मिलेगा? फिक्स करते हैं किसी को और उठा लेते हैं, जितना रुपया देगा देगा, बोनस समझ के रख लेंगे। पगला गए हो क्या? ये कोई पाकेट मारी है कि लग गया तो तुक्का? समय जाएगा, प्लानिंग बनेगी। भैया उठाना है तो किसी ऐसे आदमी को उठाओ, एक बार उठा ले तो उंगली ना उठाने पड़े पूरी जिंदगी। नहीं तो वही बात हो गई, 1 रुपये का शराब पिया और 10 पैसे का नशा ना मिला। अबे ओ फिरोजवा, तुम का है गुमसुम बैठा है बे? क्या पकड़ा रहे तेरे भेजे में? पार्टी है। ए, देखो हम बोले थे, देख नाम बताओ, हम फील्डिंग शुरू करते हैं। 3 साल पहले हमारे उरा मैडम के यहाँ फूलों का डिलीवरी करते थे ना, याद है? अबे बुढ़िया को उठाएंगे क्या बे? बक बुढ़िया को नहीं बे, उसके बेटे को, विवेक, विवेक अरोरा को। बहुत बड़ा आदमी है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा, उसका टॉप का हेयर कटिंग का सलून है। वो अमीर अमीर औरतों का और साहेब लोगों के बालों का स्टाइल बनाता है। नहीं क्या फिल्मों में बनाते हैं जैसे हीरोइनों का, वो कैटरीना, आलिया, दीपिका के बालों का स्टाइल बनाते हैं, करोड़पति हैं, उनके जैसा है। अभी एक बार हम बम्बई गए थे जब, तो वहाँ पे हमको बाल कटाना था, तो हम घुस गए एक एयर कंडीशन बड़ा दुकान में। घुसे तो देखते क्या है, अबे लड़की लोग बाल काट रहा है, लेडीज और जेंट्स सब साथ साथ बैठ गए वहाँ, बाल कटवाए लड़की से, उसके बाद सर का मालिश कराए। जानो कितना बिल आया होगा? कितना? अबे तुम विश्वास नहीं करोगे बे। कितना? अबे 2500 बे। अबे नहीं बे। अबे हाँ बे। अच्छा ये जो आदमी बताया तुम, विवेक अरोड़ा, इसको उठाना आसान होगा? देखो अगर प्लानिंग ठीक से करेंगे ना तो बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा फिर जो ये बताओ कि रोकड़ा कितना मिलेगा? देख ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मुंह फाड़ के करोड़ों मांग सकते हैं। हाँ ये अरोड़ा मैडम के लड़का को ना पोस्टर में देखे हैं, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत तगड़ा मुर्गा है, सोने का अंडा भी देगा। तो मकसद सिर्फ फिरौती था, पैसा? हम लोगों ने सोचा कि उठाने के बाद पार्टी को 2-4 दिन दे देते हैं कैश इकट्ठा करने के लिए। वो 3 करोड़ बहुत ज्यादा रकम होती है ना। विवेक को जो इंजेक्शन लगाए वो तुम चारों में से किसके दिमाग के पास थे? सर ये डॉक्टर साहब की, मतलब है तो कंपाउंडर ही, लेकिन डॉक्टर से कम नहीं है साहब। हम लोग तो इनको डॉक्टर ही कहते हैं, ये सरकारी अस्पताल में वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। जहाँ से नींद के इंजेक्शन चुराए? हाँ सर। राकेश तुम चाय की दुकान चलाते हो और फिरोज तुम अब ड्राइवरी करते हो। डॉक्टर साहब तो खैर डॉक्टर साहब, तो पवन गोयल जी आप भी बता दीजिए आप क्या करते हैं? सर हम मैकेनिक हैं, कोई भी मतलब गाड़ी खोल के जोड़ सकते हैं। तो वो जो फ़ोन तुमने मोहित गुप्ता से खरीदा था सिर्फ इस किडनैपिंग के लिए खरीदा था? सर खरीदा तो उठाने के लिए था, लेकिन किसको कहाँ ये सब तय नहीं किया था। तो तुम चारों पुराने दोस्त हो? जी साहब जिगरी। तुम चारों ने क्या सोचा था कि किसी को उठाते हैं, मोटी रकम मांगते हैं, फिर आपस में बांट कर जिंदगी भर ऐश करेंगे? कैसे सोच लिया कि किडनैपिंग इतनी आसान होगी? बस ऐसे ही सोच लिया था साहब, और सोचते समय सब बहुत आसान लग रहा था। और अगर पैसे नहीं मिलते तो क्या करते? विवेक को मार देते? फोन पे धमकी यही दी थी तुम लोगों ने? नहीं नहीं साहब, वो धमकी तो हम लोगों ने ऐसे ही दे दी थी। हम लोग साहब इतने बुरे लोग नहीं हैं। हाँ साहब, मर्डर वर्डर का तो कोई चांस ही नहीं था साहब। और फिर सर विवेक तो इन तीनों को जानता तक नहीं था, इसलिए हमने सोचा था कि पैसा मिलते ही हम उसे छोड़ देंगे, और फिर वो इन तीनों को पहचान भी नहीं पाएगा। और जहाँ तक हमारा सवाल है तो वो हमें जानता ज़रूर था, लेकिन जब जब वो होश में था हम उसके सामने गए ही नहीं,
उसने हमें देखा ही नहीं। साहब हम लोगों का पूरा प्लानिंग था कि अगर जरा भी ऊंच नीच होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे। ना उसकी जिंदगी खतरे में, ना हमारी जान खतरे में। तो मर्डर रेडर का तो कोई बात ही नहीं था साहब। इम्प्रेस हो गए मैं, कितने रहम दिल, नेक दिल, इंसानियत से लब लबाते किडनैपर हैं हमारे सामने। काश दुनिया का हर किडनैपर तुम्हारी तरह सोचता। सिर्फ पैसे के लिए किडनैपिंग करो, पैसा नहीं मिले तो भी छोड़ दो। सर आप लोग चाहे मानो या ना मानो, लेकिन सच बात यह है कि हम लोग तय करके बैठे थे कि अगर मुर्गी सोने का अंडा देती है तो ठीक, वरना हम लोग राम राम करके चले जाएंगे। साहब हम लोग को मालूम है कि एक बार मर्डर वर्डर के चक्कर में नाम आ गया तो या तो उम्र कैद या फांसी। किडनैपिंग के बाद क्या होगा ये नहीं सोचा? क्या सोचा था? भारत सरकार पद्मश्री से सम्मानित करेगी। एक बार अगर किसी से पूछ लेते ना कि किडनैपिंग की सजा क्या होती है, तो फट के हाथ में आ जाती। किडनैपिंग का आइडिया ड्रॉप कर देते और ईमानदारी की रोटी कमाते। मैडम तुम दोनों जा सकते हो। थैंक गॉड। मैम विवेक ट्रेस हुआ वो ठीक तो है ना? वो ठीक है। मैं आपसे कहती थी ना मैडम कि हम लोगों में सिर्फ बिजनेस कॉम्पिटिशन था, जानी दुश्मनी नहीं थी। जिस तरह से तुमने अपने कॉम्पिटिशन से निपटने की कोशिश की थी, आइंदा ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। अगर विवेक ने केस कर दिया होता तो लाइसेंस छिन गया होता और बदनामी होती वो अलग से। वेरी सॉरी मैम। सर अब तो जाने दीजिए सर, कान पकड़ता हूँ सर। जिंदगी में बेवजह किसी पर शक नहीं करूंगा, और अगर शक किया भी तो किसी को बेवजह धमकी नहीं दूंगा जान से मारने की। इस एक एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया सर। जाने दो। विवेक तुम्हें पता है पुलिस एक्चुअली मुझे सस्पेक्ट कर रही थी कि मैंने तुम्हें किडनैप किया, और मैं ये सोच सोच के अंदर ही अंदर रो रही थी कि तुम किस हालत में होगे। जब जब मुझे होश आता था वो जबरदस्ती उठा के खाना खिलाते थे, टॉयलेट ले जाते, हर पल बस ऐसा लगता था कि अभी मार डालेंगे। टॉर्चर मतलब टोटल टॉर्चर था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फिरोज ऐसा कर सकता है। सच कहूं तो बहुत अच्छा काम करता था वो, तमीज से पेश आता था, भरोसे का लड़का था, फिर उसने ऐसा किया क्यों? अरे पैसे चाहिए थे, जॉब चाहिए था तो सामने से मांग लेता। वही तो उसे नहीं चाहिए थी कंचन, मेहनत की जिंदगी, जॉब, हेल्प, उन चारों को तो शॉर्टकट में ऐश की जिंदगी चाहिए थी। सर इन चारों का ये पहला क्राइम था, कोई हिस्ट्री नहीं? ऑफिशियली नो हिस्ट्री, फर्स्ट टाइमर्स। लेकिन अब से इनके सर पर हिस्ट्री शीटर वाला स्टैंप लग गया है। मानना बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो विवेक को ऐसे ही जाने देते। अगर आप लोग सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद वो कुछ भी कर सकते थे। एब्सोल्युटली, उस मोमेंट में कुछ भी हो सकता था, और हम भी ब्लाइंड खेले जा रहे थे। अंधेरे में फायर करते करते हम उन तक पहुंचे थे, लेकिन कई अंधी गलियों से गुजरते हुए उन्हें फांदते हुए। किडनैपिंग एक बहुत ही ट्रिकी केस होता है। इस तरह के केसेस में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चलना पड़ता है, क्योंकि पलड़ा लास्ट मिनट तक कल्प्रिट का ही भारी होता है। एक तरफ विक्टिम की जान खतरे में होती है, और दूसरी तरफ आपको विक्टिम की फैमिली को समेटे रखना होता है, उन्हें एश्योरेंस देना होता है ताकि ऑपरेशन के बीचों बीच उनका ब्रेकडाउन ना हो जाए। संभल संभल कर एक एक कदम आगे बढ़ाना और सिचुएशन को खुद पर हावी ना होने देना की होता है इस तरह के केसेस में। एंड नीडलेस टू से, आपका सबसे बड़ा हथियार टाइम होता है, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी टाइम ही होता है। फिरोज, पवन, राकेश और सोहेल को आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 34 के तहत मिलीजुली साजिश के लिए, और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये चारों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। इस केस में भोपाल पुलिस टीम के हर सदस्य ने एक असली योद्धा होने का प्रमाण दिया। सुराग लगभग थे ही नहीं, लेकिन फिर भी अंधेरे में तीर चलाते चलाते उन्होंने इस बात का पता लगाया कि विक्टिम को कहां छुपाया गया होगा, और आखिरकार उस तक पहुंचे और उसकी जान बचा ली गई। फिर एक बार यह साबित हुआ कि जुर्म कायरों का हथियार है, जिनकी मंजिल सिर्फ फेलियर होती है। असली सफलता वो होती है जब एक आम इंसान अपने आप पर भरोसा रख नेकी का योद्धा बनकर संघर्ष को अपना हथियार बनाता है। इसी के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। क्राइम पेट्रोल सतर्क में अब आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।